हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नंबर प्लेट के नीचे में जो एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है उसके अंदर एसी वाली लाइट कैसे लगाएंगे आप। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। क्या बात है सर? वो लाइट लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसे हल्का हल्का हिट करके ये जो लाल वाला कांच होता है इसे निकाल लेना है एक पेचकस की मदद से। कुछ इस प्रकार हम टेस्टर का यूज करेंगे इसे निकालने के लिए। बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा दोस्तों। और एक पेचकस को गर्म कर लेना है आपको, गैस में या फिर चूल्हे में किसी भी चीज में आप गर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा होल करना होगा ताकि हमारा जो लाइट लगेगा उसकी जो वायरिंग होती है इसके पीछे से अंदर चले जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे एक होल कर लिए हैं आप। और ये वाला जो लाइट है दोस्तों, देख सकते हो आप, ये टेस्टेड ओके चालू लाइट है। अब हम इसे लगाने वाले हैं रिफ्लेक्टर के अंदर। कितनी औसम है। आप लगाएंगे दोस्तों इस रिफ्लेक्टर के अंदर में जो कि नीले कलर का है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर करके लाइट को लगा सकते हैं आप। फटाफट से हम इसमें वायर जोड़ लेते हैं। दो वायर जोड़ लेना है, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, ताकि हमें वायरिंग करने में आसानी हो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये हम लाइट में 12 वोल्ट का डीसी लाइट है दोस्तों, इसे सिक्का लाइट भी बोलते हैं। और ये मार्केट में 10 से 15 रुपए की कीमत में बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। आप भी लेकर आ सकते हैं। और ये रिफ्लेक्टर में लगाने के बाद ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। समझ रहे हो? हमने यहाँ पे एक होल भी कर दिए दोस्तों, और ये डबल टेप की मदद से यहाँ पे चिपक जाएगा। अब ये वायरिंग में टेप लगा लेते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इसमें सोल्डर करके भी टेप मार सकते हैं दोस्तों, उससे और ज्यादा ये मजबूत रहता है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इसमें सोल्डर नहीं किए हैं। अब ये यहाँ से याले होल से हम इसमें वायर डाल देंगे, याले होल से इसमें वायर डाल देंगे दोस्तों। अब हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके पीछे का डबल टेप निकाल लेना है दोस्तों। अब हमें Amazing. और इसे चिपका देना है यहाँ पे। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अरे बाबा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तीन वायर पीछे के लिए आए हुए होते हैं। इसमें से हमें दोनों ग्रीन ग्रीन में जोड़ देना है। एक ग्रीन में जो येलो वाली पट्टी है दोस्तों, उसमें पॉजिटिव वाला पॉइंट जोड़ देना है। और एक जो टोटल पूरा ग्रीन है उसमें ब्लैक वाला जोड़ देना है दोस्तों, जो कि हमारा माइनस पॉइंट होगा पीछे जो लाइट लगाए हैं उसका। और ये सॉकेट को हमें जैसा का वैसा लगा देना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार। और तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी होती है वायरिंग पूरी कंप्लीट। अब हम इसे ग्लो करवा के दिखाएंगे आपको, चालू करवा के दिखाएंगे दोस्तों। उसके लिए क्या करना है, हमें चाबी ऑन करना है दोस्तों, और ये पीछे का जो ब्रेक होता है उसे दबा दबा कर देखना है। जैसे हम ब्रेक दबाएंगे दोस्तों, ये हमारा ग्लो होगा, देख सकते हैं दोस्तों आप भी। अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर का जो ये रेड वाला ढक्कन है इसे लगा देना है अच्छी तरीके से। ये रेड कलर का जो ढक्कन है दोस्तों, हम इसे लगा देंगे। ये जो रेड कलर का ढक्कन है दोस्तों, हम इसे लगा देंगे और फैमिली की ऊपर से चिपका देंगे। ये रेड कलर का ढक्कन बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ये कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार से हमें लगा देना है ढक्कन को, और यहाँ से फैमिली की लगा देना है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से लगा देना है दोस्तों पीछे का ढक्कन, और यहाँ पे लगा देना है फेविकिक। और ये जो ब्रेक दबाएंगे दोस्तों हम, जब ये हमारा लाइट ग्लो होगा रिफ्लेक्टर के अंदर जो लगाए हैं हमने वो वाला, आप भी देख सकते हैं दोस्तों, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। और ये नाइट में बहुत ही ज़्यादा उजाला करता है।